हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज हम आपको पुराने फटे सॉल से पायदान बनाना सिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ये सॉल है, इसको ये फटा हुआ है सॉल, इसको हम इस तरह से खोल के और रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे फटा हुआ है और इस कोना में भी फटा हुआ है। इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। इस तरह से हम बिछा लिए हैं डबल करके, आगे और पीछे दोनों साइड का। यहाँ पे फटा हुआ है, इतना ही हम रखेंगे। हम इसका चौड़ाई लिए हैं 15 इंच का हम रखेंगे, ये पूरा 15 इंच है, और इधर से 21 इंच रखेंगे। इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम 21 यहाँ पे निशान लगा के और सीधा कर लेते हैं। इधर से भी निशान लगा ले रहे हैं और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इसको हम कटिंग कर ले रहे हैं, फिर इसमें निशान लगाएंगे। ये हम कटिंग कर लिए हैं और इधर में जो ज्वाइंट था इसको भी हम कटिंग कर लिए हैं। अब इस पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम तिरछा इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच इस तरह से लेंगे, 2 इंच और 2 इंच करके हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम ले लेते हैं, सीधा होगा, और एक यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं और इसको मिला लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से 2-2 इंच करके हम इस तरह से निशान पूरा में हम लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था ये दो लाइन, तो इसको सीधा कर लिए। ये वाला सीधा लाइन है और ये वाला नहीं है, यहाँ पे ये निशान नहीं है। बाकी हम 2-2 इंच करके इसी तरह से हम पूरा में निशान लगा लिए। अब इस साइड भी ऐसे ही करना है, 2 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा के और पूरे में हम सीधा सीधा लाइन खींच लेंगे। ये एक तरफ से तिरछा तिरछा निशान लगा लिए, अब दूसरे साइड से भी लगाएंगे। इधर से हम कोना इस तरह से मिलाए थे यहाँ पे, अब इस साइड से हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और फिर इधर भी हम 2-2 इंच करके इधर से भी हम निशान लगा लेंगे और इधर से भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम स्क्वायर बना लिए हैं और इसी निशान पे हम सिलाई करेंगे। तो ये तिरछा वाला जो निशान है, सबसे पहले एक तरफ का सिलाई करेंगे। तो हम मशीन पे चलते हैं।
हम सिलाई करेंगे तो इसमें महीन सिलाई नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा सिलाई ही करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नंबर सेट कर लेते हैं, ये सबसे ऊपर वाला जो नंबर है हम इस पे ही इसको लूज करके और सबसे ऊपर में हम लगा देंगे, ये मोटा सिलाई होगा। अब हम ये तिरछा सिलाई एक साइड से करेंगे। और ये हम दोनों कपड़ा को पकड़ के, जो आगे और पीछे का है दोनों को हम पकड़ के सिलाई कर रहे हैं, और पूरा में हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम एक साइड सिलाई कर लिए हैं। अब इस साइड में हम सिलाई करेंगे, तो यहाँ पर हम एक लाइन पहले चलाएंगे। यहाँ पर हम एक सिलाई एक लाइन चलाए हैं, और यहाँ पे हम कतरन लिए हैं, हम यहाँ पे कतरन भरेंगे फिर दूसरा लाइन को हम सिलाई करेंगे। और आपके पास अगर कतरन नहीं है तो ऐसे अगर पड़ा हुआ कतरन तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, और अगर कतरन नहीं है आपके पास तो आप पॉलिस्टर कॉटन भी ले सकते हैं जो टेडी बियर में लगता है, वो भी आप फिल कर सकते हैं, उससे और अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से, इसको हम इस वाले लाइन में यहां से हम इसको डालेंगे, और ये काटा ले लिया है इसके मदद से हम इसको अंदर घुसा लेंगे। यहाँ पे हम इतना दूर ही भरे हैं, और अब इस वाले में भी ये स्क्वायर में फिल करेंगे। यहाँ पे हम फिल कर लिए हैं, बस इतना स्क्वायर में ही फिल किए हैं, और इधर में जो किनारे में जो जगह खाली है इसको हम बाद में फिल करेंगे, पहले हम यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। अब ये दूसरा वाला लाइन को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे दो ठो फिल हुआ है, अब यहाँ पे ये वाला फिल होगा, एक दो तीन और ये चार, ये चारों में अब फिल करेंगे, और फिर इसी तरह से फिल करके और यहाँ पे सिलाई करेंगे, भरते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। ये इस तरह से फिल कर लिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हाथ लगाने से ये इसका निशान जो है हल्का हो गया, हम यहाँ पे निशान लगा दे रहे हैं, यहाँ पर सिलाई करेंगे, और इसी तरह से हम एक एक फिल करते जाएंगे, और एक में एक एक लाइन में हम सिलाई करते जाएंगे। अब हम इस लाइन को यहाँ पे सिलाई करेंगे।
यहाँ पे हम थोड़ा सा निशान को डार्क कर दे रहे हैं। ये हो गया, दो लाइन बन गया। अब इसी तरह से अब इसमें हम भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 घर में भराएगा। ये इसमें हम फिल कर लिए। अब इस लाइन को यहां से हम सिलाई कर देंगे। अब इसी तरह से हम सभी में हम फिल करते जाएंगे और एक एक लाइन सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से हम पूरा में फिल कर लिए हैं, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब इसका किनारे किनारे में जो खाली है इसमें हम फिल करके और सिलते जाएंगे किनारे से। यहां पर ऐसे रख के सब में और फिल करके और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम सिलते जाएंगे, ये चारों तरफ से हम इसी तरह से फिल कर ले रहे हैं। इस तरह से हम सभी में फिल कर लिए। अब किनारे किनारे हम पट्टी लगा के सिलाई कर लेंगे। ये पट्टी का चौड़ाई 3 इंच करके रखे हैं, इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिल लिए। अब इसको इधर पलट लेंगे और ऐसे पलट के इसको यहाँ पे मोड़ के और ऐसे इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हम दोनों सीधा लाइन में हम कर लिए हैं। अब इधर का दोनों साइड में हम पट्टी लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल के ही ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। उसके बाद जब हम पलटेंगे तो इसको इधर से मोड़कर और इसको ऐसे पलट के मोड़ के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम सिल लेते हैं दोनों साइड। दोनों साइड से इस तरह से देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा बन गया। आप भी इसी तरह से कतरन या फिर कुछ भी बेकार पड़ा हुआ चीज से इसी तरह से रीयूज करके पायदान बना सकते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एक लाइक भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।